नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं एवरीडे एजुकेशन चैनल पे। आज से हम हरियाणा करंट अफेयर्स जनवरी 2016 से टिल डेट आपको वीडियोस देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा की बेसिक चीज़ें देखेंगे, जो बेसिक जनरल नॉलेज है हरियाणा की वो देखेंगे। उसके बाद में हम हरियाणा की करंट अफेयर्स से शुरुआत करेंगे, जो कि जनवरी 2016 से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हरियाणा हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, ये बात हम सबको पता है। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक अलग से राज्य घोषित कर दिया गया था पंजाब से अलग करके। हरियाणा की रैंक 21वीं है, ये हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से है, और इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 18वीं रैंक। हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे भारत में पेट्रियार्की चलती हुई आ रही है उससे हम ये देख सकते हैं कि जो मेल होता है उसकी शादी होती है 21 की उम्र में, तो हमारा 21वां रैंक है और सारी लैंड उनको ही जाती है, ज़मीन सारी उनको ही मिलती है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमें पता है कि विमेन की वजह से ही होती है, तो हम इसमें ये ऐसे देख सकते हैं कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है और लड़कियां ही पॉपुलेशन बढ़ाने में हमारी मदद करती है। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ये हम सबको पता है, गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी। हमारा स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तीतर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। राष्ट्रीय पेड़ हमारा पीपल है, राष्ट्रीय फूल हमारा लोटस है, और राष्ट्रीय जानवर जो हमारा है वो हमारा ब्लैक बक, जो कि काला हिरण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम 2016 से करंट अफेयर्स देखते हैं। CIRB, जिसे हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑफ बफेलोज भी से जानते हैं, जो कि हिसार में है, उन्होंने सेकंड इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिन्होंने बफेलो क्लोन करी है। बफेलो का नाम CIRB गौरव है। करनाल की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट इंस्टीट्यूट था जिसने बफेलो क्लोन करी थी। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, वो जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ब्रीड से। फर्स्ट महिला ट्रूप इंडक्टेड इन ITBP इन पंचकुला हरियाणा, हरियाणा में पहला महिला ट्रूप, फर्स्ट लेडीज़ ट्रूप जो है ITBP में डाला गया है, जो कि पंचकुला हरियाणा में रखा गया है उन्हें। सेक्स रेशियो फर्स्ट टाइम क्रॉसेज 900+ मार्क इन हरियाणा, सेक्स रेशियो फर्स्ट टाइम इन्होंने 900+ मार्क क्रॉस किया है। सिरसा ने इस लिस्ट को टॉप किया है 999 गर्ल्स 2000 बॉयज से। सेक्स रेशियो देखें तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 ऑफ बॉयज, गर्ल्स पर 1000 ऑफ बॉयज पड़ता है। अंकिता आनंद वॉन लॉरेंजो नटाली मीडिया प्राइज़ फॉर 2015। अंकिता आनंद जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्हें लॉरेंजो नटाली मीडिया प्राइज़ फॉर 2015, ये हरियाणा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने लाइफ फॉर यंग वीमेन फेसिंग द थ्रेट ऑफ द डिक्टेट ऑफ खाप पंचायत इन हरियाणा, इस पर जर्नलिज्म इस पर स्टडी करके वो उन्होंने पब्लिश किया, इसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा साइंस 8 MOUs विद चाइना। MOUs होता है मेमोरेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ये एक पेपर होता है जिसपे डील्स की सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं और दो पार्टीज एग्रीमेंट साइन करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सूरजकुंड मेला, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होता है HSSC में, और इस बार का और भी स्पेशल होगा क्योंकि जो 32nd सूरजकुंड मेला है उसकी डेट्स चेंज हैं। यहाँ पर 2nd से लेके 18 February 2018 को हुआ है, लेकिन वैसे ये हमेशा 1st से लेके 15 Feb से होता है। 2016 में जो 30th सूरजकुंड मेला था वो 1 से लेके 15 February 2016 में तक चला था, जिसकी थीम थी तेलंगाना। 31st सूरजकुंड मेला 1 से लेके 15 February 2017 तक चला था और इसकी थीम थी झारखंड और उसका पार्टनर नेशन था इजिप्ट। लेकिन इस बार वाला सूरजकुंड मेला था वो 2 से लेके 18 February 2018 तक चला था, जिसकी थीम थी उत्तर प्रदेश, जिसके CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पार्टनर नेशन जो है किर्गिस्तान था। आपकी बार हमारा हरियाणा टू बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एक्वीफर मैपिंग। एक्वीफर रॉक जलमृत रॉक इज़ एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग रॉक विच हैज़ अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो एक्वीफर रॉक वो होती है जो पानी स्टोर करती है अंडरग्राउंड लेवल पे, जो एक लेयर होती है, एक्वीफर रॉक एक लेयर होती है। एक्वीफर मैपिंग जो होगा हमारा वो डिटरमाइन करेगा कि लोकेशन क्या है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर है, उस रॉक का साइज़ क्या है, पानी कितना है उसमें, और सर रिचार्ज पॉइंट क्या है। मुस्तफ़ाबाद विलेज जो होगा उसे सरस्वती नगर विलेज नाम दिया जाएगा। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं HSSC में जो कि आने वाले हैं, विलेज गांवों के नाम जो बदले जा रहे हैं।
हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 जो हुआ था वो गुड़गांव में हुआ था। हरियाणा अप्रूव्स जाट रिजर्वेशन बिल, तो हमें ये पता लग रहा है कि इसमें जाट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें चार और कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो सिख हैं, रोड्स हैं, बिश्नोई और त्यागी कास्ट, ये चार कास्ट और हैं, टोटल पांच कास्ट को इसमें रिजर्वेशन दिया गया था। सलामती प्रोजेक्ट, हरियाणा फर्स्ट टू लॉन्च इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये हम इसलिए स्टार्ट करा है हमने ताकि हम हाई मदर और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हम चेक कर सकें। और हरियाणा पहला स्टेट है जिसने इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डाला है, पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स आया करती थी। हरियाणा जॉइंट्स उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज़ हैं बिजली की और जो कि कर्ज़े में फंसी हुई हैं, उनके उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको फ्री करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है। हरियाणा 8th स्टेट है जिसने ये स्कीम में अपना पार्ट किया है। न्यू सेक्रेटेड बिल्डिंग इन हरियाणा जो कि चंडीगढ़ में है, इसमें अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अब इस बिल्डिंग के बारे में खास बात ये है कि ये सिर्फ अकेली बिल्डिंग है इंडिया की जिसमें अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। बख्शी ऐप जो कि बाइक और टैक्सी ऐप बुकिंग ऐप है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट बुकिंग ऐप है जो विदाउट इंटरनेट चलेगी, यहाँ पे विदाउट इंटरनेट चलेगी, और ये गुड़गांव और फरीदाबाद में अवेलेबल है। हरियाणा में फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो होगी वो हरियाणा में बनाई जाएगी। गुड़गांव टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रिनो पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट, तो गुड़गांव में जो मेट्रिनो पॉड टैक्सी है जैसे हम ये इमेज में दिखा रखा है, ये गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर से बादशाहपुर मोड़ सोना रोड तक चलेगी जिसमें 16 स्टेशन शामिल होंगे। 2016 में जो योगा डे हुआ था, इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, वो चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएन ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया था। गुड़गांव जैसे आप सब जानते हैं, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY ने हाउसिंग पॉलिसी लो और मीडियम स्टैंडर्ड टाउन्स के लिए डिक्लेयर कर दी, हरियाणा ने अडेप्ट कर चुके हैं। हरियाणा लॉन्चेस एशियाज फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, जिप्स वल्चर जिसे हम जटायु भी बोलते हैं, हरियाणा ने स्टार्ट किया है जो एशिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है, और ये स्टार्ट किया गया है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में। इसमें जटायु जो है एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है, जो मतलब ख़त्म होने की कगार पे है अपने, इसे बचाने के लिए जो उन्हें विंग टैग्ड जैसे ये लगाया हुआ है, इन पे नाम नंबर दे दिया जाता है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेस मेकर, पेस मेकर एक मशीन आती है जिसे हम दिल में लगाया जाता है जिस पेशेंट के, जिसे ब्रैडीकार्डिया होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हार्ट बीट होती है वो या तो स्लो हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, कंटिन्यू हार्ट बीट नहीं होती। तो यह वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पेस मेकर 92 ईयर ओल्ड की लेडी को गुरुग्राम के हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो कि अपने नॉर्मल जो साइज़ होता था उसका 1/10 साइज़ में लगाया गया है। सोनिया लाटर जिसने सिल्वर मेडल जीता वुमेन्स बॉक्सिंग में, वर्ल्ड्स वुमेन बॉक्सिंग में, ये है सोनिया लाटर की पिक्चर। विजेंद्र सिंह भी बॉक्सिंग के लिए जाने जाते हैं। जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना, यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट में पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है, और हरियाणा ने इसे अपना नाम जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के नाम से दिया है, जिसमें गाय भैंस ऊंट का प्रीमियम है 100 रुपये, और भेड़ बकरी और सूअर का जो प्रीमियम है 25 रुपये में हम इन्हें बीमित कर सकते हैं। यह स्कीम जो SC हैं उनके लिए यह स्कीम फ्री रहेगी। इसमें एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बन सकता है कि यह जो स्कीम है ये किस रिपोर्ट की वजह से आई है, तो ये जो स्कीम है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की वजह से आई है। तो फर्स्ट पार्ट का एंड यहीं पे ही होता है। आप हमसे इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम हमारा जो यूज़र आईडी वो ये है, इस पे आप जुड़ के हमें मैसेज और सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप HSSC के कौन से टॉपिक चाहते हैं जो हम डिस्कस करें यहाँ वीडियोज़ में। थैंक यू, जय हिंद।